हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कहाँ लेके चलूँगी, गोवा लेके चलूँगी। कोरोना है इसलिए हम जा तो नहीं सकते लेकिन सोच तो सकते हैं, ठीक है। तो चले चलिए कि हम इमेजिनरी फॉर्म में कहाँ चल रहे हैं, गोवा चल रहे हैं। गोवा में क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एट अ प्लेस ऑन द कोस्ट इन समर टाइम्स, कहाँ पर हम कहाँ समुद्र के किनारे हैं, कहाँ पर गर्मियों के दिनों में। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो हवा लग रही है हमें, आप समुद्र के किनारे हो या अपने होटल में हो, तो वहाँ पर आपको गर्मी दिन में अलग तरीके की हवा फील होगी और रात में अलग तरीके की हवा फील होगी। तो वो कैसे होती है देखते हैं। टू फॉर्म ड्यूरिंग द ब्लूज फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे वाइल एट नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड रिवाइज्ड दीज ब्रीज आर लोकल कन्वेक्शन करंट एंड गैर। देखो होगा क्या कि जो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम होटल में हैं तो लैंड है वहाँ पर, तो लैंड और वाटर की बात कर रहे हैं। तो लैंड जो होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जबकि वाटर क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। अब कोई सी भी चीज़ गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। पानी क्यों गर्म करेंगे तो कहाँ जाएगा, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो कोई सी भी चीज़ गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो लैंड जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी गर्म हो रही है लैंड जो है, जल्दी गर्म हो रही है तो वो आसपास की हवा को गर्म कर देगी और वो हवा कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाने लगी। गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर हवा कम हो गई, नीचे कम हो गई और ऊपर ज़्यादा हो गई। तो नीचे हवा कम हो गई तो वो हवा कहाँ से आएगी, समुद्र के आसपास से आएगी। समुद्र के आसपास की जो हवा वो है वो कहाँ की तरफ आने लगती है, लैंड की तरफ। इसीलिए हमें दिन में ठंडी हवा का एहसास होता है, ठीक है। कैसी हवा का, ठंडी हवा का। हम हमारे होटल में हैं तब भी हमें ठंडी हवा लग रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हवा कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है, ठीक है। अब आता है हमारे पास रात में क्या होता है। तो रात में क्या हुआ, हमारे पास रात में हमारी लैंड क्या हो गई, ठंडी हो गई और जो वाटर था वो लेट से गर्म हुआ और देर से ठंडा होगा। तो रात में भी जो समुद्र का पानी है वो गर्म है, तो वो गर्म होकर अपने आसपास की हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो समुद्र के ऊपर की हवा ऊपर जाने लगेगी और लैंड की जो हवा है वो किसकी तरफ जाएगी, समुद्र की तरफ। लैंड की जो हवा है वो कहाँ जाएगी, समुद्र की तरफ। क्लियर है आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, एयर ओवर द लैंड इज देयर फॉर हीटेड सो इट एक्सपेंड एंड राइजेज, ऊपर की तरफ जाती है कब, दिन में। वाइल कोल्डर एयर ब्लोज इन फॉर्म इन फ्रॉम द सी टू टेक इट्स प्लेस देयर इज कोल्ड सी ब्रीज। अगर समुद्र से हवा कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, लैंड पर आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। और अब हम बात करते हैं लैंड ब्रीज की। एट नाइट, रात के दिनों में क्या हो रहा है, लैंड से हवा कहाँ जा रही है, समुद्र की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्लियर है। तो कार इंजन आर कूल्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स एंड सेट इन वाटर पाइप्स अराउंड द कंबशन चैम्बर। तो कार पाइप्स, कार के अंदर कार पाइप्स, कार इंजन में पाइप्स दिए जाते हैं जिसके अंदर क्या पानी भरा जाता है जो कि उसको ठंडा रखता है। स्मोक एंड हॉट गैसेज प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एस्केप थ्रू टॉल चिमनीज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। कोई सी भी चीज़ गर्म होकर फैक्ट्रीज के अंदर चिमनी बनाई जाती है जो बहुत ऊपर होती है, गर्म होकर हवा ऊपर जाएगी और एनवायरनमेंट में मिल जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। कूलिंग डिवाइस कार रेडिएटर्स आर पेंटेड ब्लैक सो इज हा एज टू हैव कूलिंग इफेक्ट बाय द रेडिएटिंग हीट। ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को फैला भी देता है। तो कूलिंग डिवाइस कैसे बनाई जाती है, ब्लैक कलर की बनाई जाती है। रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड एंड शाइनिंग, रूम हीटर्स जो होते हैं वो पॉलिश्ड और शाइनिंग बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि शाइनिंग जो होता है वो हीट को लेता है और वापस भेज देता है, ठीक है, पॉलिश्ड। इसी वजह से वहाँ पर भी वो रूम हीटर्स होते हैं। शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट बाय रेडिएशन, तो वो लेता है और पूरे रूम में हीट को फैला देता है, ठीक है। तो वो हीटर इस तरीके से काम करता है। ब्राइटली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिटेन देयर इंटरनल हीट एनर्जी लॉन्ग पीरियड, हॉट बेवरेजेस स्टे हॉट लॉन्गर इन सच पॉलिश्ड पॉट। पॉलिश्ड पॉट के अंदर अगर हम चाय या गर्म दूध रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है। क्यों, क्योंकि जो ये जो पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ये हीट को ट्रैप करके रखते हैं। वी फील रेडिएशन, यहाँ पर भी क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन कोई भी पहला जो भी चीज़ गर्म है वो रेडिएट कर सकती है लाइट को, हीट को, सॉरी। वी फील कंफर्टेबल वियरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स, क्यों, क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं जबकि डार्क कलर क्लोथ्स हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं।
अब बताएं सम कॉमन ऑब्जर्वेशन. कूलिंग कॉइल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर आर मेड अप ऑफ द कॉपर बिकॉज इट कंडक्ट्स अवे हीट क्विकली. कॉपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. कॉपर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है. कोई से भी कॉइलिंग जो है वो इसी से ही बनाई जाती है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के अंदर. अब आता है बर्ड्स पफ ऑफ. बर्ड्स जो होते हैं आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में अपने पंखों को ऐसे गुदगुदा सा बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है और हवा किसकी तरह काम करती है? इंसुलेटर की तरह. ट्रैप कर लेती है हीट को और बाहर अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती है. ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक ऐसा कांच का ग्लास का हाउस बनाया था जिसके अंदर प्लांट्स रख देते हैं. प्लांट्स कौन से गैस निकालते हैं? CO2. CO2 क्या बढ़ा देता है? टेम्परेचर को बढ़ा देता है. तो उस ग्रीन कलर के ग्लास में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं. जो कोल्ड क्लाइमेट को भी क्या कर दे? वार्म कर दे, तो वो क्या है? ग्रीन हाउस है. तो इसको ग्रीन हाउस भी बोलते हैं क्योंकि जो भी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं वो हमारे एनवायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब आता है थर्मस फ्लास्क. फ्लास्क देखो इस तरीके का होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ द डबल वॉल. दो वॉल होती है इसके अंदर और अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है बिटवीन द वॉल्स. दो वॉल हैं, उसके बीच में कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है. वैक्यूम मतलब क्या होता है? ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो वैक्यूम है. बोथ द वॉल्स आर सिल्वर्ड ऑन द वैक्यूम साइड. हीट कैन नॉट एंटर द लीव द इनर फ्लास्क बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन थ्रू द वैक्यूम. अब वैक्यूम है तो अगर वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर नो मीडियम तो सिर्फ रेडिएशन से ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अंदर क्या बढ़ा है? लिक्विड. लिक्विड में तो कन्वेक्शन होगा, तो इसका मतलब वैक्यूम से जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती और हीट जो है अंदर के अंदर ही रहती है. तो ये होता है थर्मस की मैकेनिज्म. अब आता है हमारे पास आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये अपनी बुक फिल करनी है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की. क्वेश्चन आंसर देखिए आप. What is the prepare of the kink in a clinical thermometer? Kink क्यों बनाया जाता है? ताकि जो मर्करी है वो वापस बैक में नहीं जाए, इसलिए हम क्या बनाते हैं? थर्मोमीटर में किंक बनाते हैं. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फारेनहाइट थर्मोमीटर की क्या रेंज होती है? 94 थर्मोमीटर ने फारेनहाइट स्केल की 94 फारेनहाइट टू 108 फारेनहाइट. डिफाइन हीट. हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताती है. व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज डिफाइंड डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर. नेम द लिक्विड दैट कंडक्ट हीट. हीट को कौन कंडक्ट कर सकता है? वाटर कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, जो प्योर वाटर होता है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल टैप वाटर या सिंपल वाटर हीट को कंडक्ट करता है. स्टेट द वे बाय विच हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस. हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है? तीन मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. डिफाइन कंडक्शन. कंडक्शन सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है. हॉट, हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन द फ्लूड. फ्लूड में कौन सा मेथड होता है? कन्वेक्शन मेथड होता है, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद हीट के साथ मोमेंट करते हैं और हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं. रेडिएशन. रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना सॉलिड, लिक्विड, ना गैस. तो इस तरीके से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसको बोलेंगे रेडिएशन. द प्रोसेस ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. प्रोसेस ऑफ हीट फ्रॉम, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आप अपने बुक में से देख कर लिख लें. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. मैंने जो बोला वही आप लिख लें, ठीक है. Why do room heaters have polished reflector? Polished reflector क्यों? क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं. कौन? शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को, इसी वजह से कमरा आसानी से गर्म हो जाता है. अब आता है हमारे पास why do we use an umbrella on a hot sunny days? हम गर्मी में अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अम्ब्रेला जो है उसकी सरफेस कैसी होती है? फैली हुई होती है. तो अम्ब्रेला जो है वो सनरेज से आने वाली हीट को क्या कर देता है? चारों तरफ फैला देता है, एक ही जगह पर नहीं स्टोर करता. कहाँ कर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, रेडिएट कर देता है, फैला देता है.
अब आता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द यूजेज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर का यूज़ बताओ और इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम. जो अपने अंदर से हीट को पास होने दें वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर. जैसे कि मेटल, और मेटल जो है इसी वजह से हमारे जो बर्तन होते हैं किचन के वो कैसे बनाए जाते हैं? मेटल्स के बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से गर्म हो जाए, खाना जल्दी से पक जाए. उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक या फिर वुड के बनाए जाते हैं ताकि, क्योंकि वो जो प्लास्टिक और वुड होती है दैट इज़ बैड कंडक्टर, वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है. इसी वजह से वो आसानी से गर्म भी नहीं हो जाती है और हैंडल उससे बनाए जाते हैं. व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको पहले. वाई आर डिजिटल थर्मोमीटर प्रिफर टू द मर्करी थर्मोमीटर. डिजिटल थर्मोमीटर क्यों यूज़ किए जाते हैं ये भी बता चुकी हूँ मैं, ठीक है. हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर में मर्करी नहीं होता है जो कि टॉक्सिक होता है. मर्करी टॉक्सिक होता है और इस वजह से डिजिटल थर्मोमीटर अच्छा है क्योंकि उसके अंदर मर्करी नहीं है. प्लास्टिक का बना होता है, इजी टू हैंडल है, और प्लास्टिक का बना होता है इसलिए टूटता भी नहीं है. तो ये सब रीज़न है डिजिटल थर्मोमीटर के यूज़ करने के. एक्सप्लेन वाई द आउटर वॉल ऑफ द हाउस आर पेंटेड वाइट इन हॉट क्लाइमेट एरियाज. आउटर जो वाइट कलर होता है या लाइट शेड होते हैं वो हीट को क्या करते हैं? कम एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि डार्क कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. लाइट कलर हीट को रेडिएट कर देते हैं, फैला देते हैं. आर बेटर रिफ्लेक्टर, बाहर की तरफ से क्या कर देंगे? फैला देंगे. तो जो हीट है वो बाहर के बाहर ही रह जाएगी. अब बताएं व्हाट वुड यू प्रीफर टू यूज़ ड्यूरिंग विंटर. टू थिन वुलन ब्लैंकेट. अब पतले पतले दो ब्लैंकेट यूज़ करेंगे या एक मोटा? हम पतले पतले दो ब्लैंकेट यूज़ करेंगे क्योंकि दो ब्लैंकेट के बीच में हवा भर जाती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, हीट को क्या नहीं करने देती, बाहर नहीं निकलने देती. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, वाई आर द कार रेडिएटर पेंट ब्लैक. ब्लैक क्यों? क्योंकि कार रेडिएटर आर पेंटेड ब्लैक सो दैट हैव कूलिंग इफेक्ट बाय रेडिएटिंग हीट, ताकि वो कूलिंग इफेक्ट शो कर सके. वाइल व्हाट इज़ लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज क्या होती है? रात के टाइम पर जो लैंड की हवा है वो कहाँ जाती है? सी की तरफ जाती है. ये मैं समझा चुकी हूँ क्यों जाती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं. तो ये सब आप अपने नोटबुक में नोट कर लें. टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में.